नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त संदीप गुसाई। गांव की यात्रा हमारी जारी है और ऐसे ऐसे खूबसूरत गांव के हमने दीदार किए हैं जो आप भी लगातार देख रहे हैं। जिस तरीके से आपका उत्साह और कमेंट आ रहा है, हमें उत्साह बढ़ा रहे हैं, हमारा भी जो उत्साह है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय हम देवजानी गाँव में हैं, पीछे गाँव दिख रहा है और यहाँ से ठीक जो पीछे जहाँ पर बर्फ़ की चोटी है वो है केदारकांटा पीक। तो यहाँ से किस तरीके से केदारकांटा पीक को क्लाइंब किया जा सकता है, क्या है इस गांव में पर्यटन की संभावनाएं, विस्तार से आपको बताएंगे। जीवन एक सफर है और अगर आपका सफर किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए तो ये मन में और भी सुकून देता है। हिमालय की यात्रा के दौरान मुझे कई अनुभव ऐसे हुए जब हमारे गाँव में जाने के बाद वहाँ पर पर्यटक भी जाने लगे और यही रूरल टेल्स का मोटो भी है। देवजानी गांव उत्तरकाशी जिले के केदार गंगा घाटी में स्थित है। अगर आप देहरादून से बस और निजी गाड़ियों से पुरोला पहुंच सकते हैं, पुरोला से छोटी गाड़ियों से आप देवजानी गांव जा सकते हैं जो करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिस जगह में आप लोग बैठे हैं ये जगह करण महाराज की शक्ति स्थली भी कही जाती है। देवजानी हमारा पांच गांव का ये खत है, इसका मुख्यालय भी देवजानी है। इसके अंतर्गत चार गांव हमारे पांच गांव और आते हैं। इस गांव में अपनी लोकप्रिय और प्राचीन संस्कृति के लिए है माना जाता है। कल हमारा गेंद का मेला त्योहारों के अंतिम पड़ाव का जो हमारा त्यौहार होता है, इस त्यौहार का अंतिम हमारा जो होता है वो हमारा खंडासुरी और कर्ण महाराज के नाम से जो हमारा वीर है यहाँ का, उसके नाम से हम जो है कल हम गेंद का मेला खेलते हैं। इस गेंद के मेले के लिए लोगों की आस्था इतनी जुड़ी है कि तमाम क्षेत्र से अपना रामाश्राय और अपना बंगान, अपना तमाम बडियाड़ है और अपना क्या कहते हैं नौगांव वगैरह से यहाँ लोग आते हैं। श्रद्धालु हमारे तमाम जगह रिश्तेदारी भी है और इसका जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य ये था कि आज तक प्राचीन जो हमारी संस्कृति रही होगी, इस संस्कृति का हम आपसी में लोगों के साथ उठ बैठ के जो है एक वो करते थे। इस पूरी मोरी घाटी में हमने कई गांवों के आपको दीदार कराए, लेकिन जो लोक संस्कृति हमें देवजानी में मिली वो नायाब थी। बुजुर्ग महिला हो या फिर जो युवा महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, सब एक साथ इस गांव में अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ लोक नृत्य कर रहे हैं जो तांदी नृत्य है। और ऐसा नज़ारा देख कर आप भी, जो आपका भी मन कर रहा होगा कि आप भी तांदी जो देवजानी गाँव है वहाँ पहुँचे। देवजानी गाँव में हमें एक के बाद एक जो कल्चर के रंग दिखाई दे रहे हैं वो मुझे भी खुद, मैं यहाँ आकर आश्चर्यचकित हूँ। अच्छा, पूरा नाम आपका? लाला राम जी, जो महिलाएं गीत गा रही हैं वो क्या है, क्योंकि ये जो गा रही हैं वो बिल्कुल अलग अंदाज है। अलग अंदाज है, पुरानी संस्कृत में हमारी बाजू कहते हैं लोगों को, हम इस गीत को बाजू जी बाजू कहते हैं। और ये महिलाएं गाती हैं इसको? जी जी, पुरुष भी गाते हैं, महिला भी गाते हैं, पर हमारी पुरानी संस्कृति है हमारी ना। तो ये बाजू गीत आप लोगों को सुना रही हैं, आप भी सुनिए कितना खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अलाप को बहुत लंबे समय तक रख रही हैं वो अपने आप में बेजोड़ है। महिलाएं घास काटती होंगी, जंगलों में गाती होंगी और आज जो उनकी आवाज है वो अपने आप में बेजोड़ है। तो सुनाते हैं आपको बाजू गीत। बाजू गीत बोलते रंडे यात्रा के डागे जरा कोने रंडे खुशी में यो
इसको हम ये चाह रहे हैं कि ऐसी संस्कृति की केदार कांत कांता और इस खंड के केदार नदी के बगल में जो हम लोग बैठे हैं, तो हमारी यही सोच है कि देवजानी को पहले बार हमने भी पूरी देखा हुआ कि हमारा गांव सबसे पहले देवजानी हमारे एक गांव है जो देवत्व देवभूमि के नाम से जानी जाती है। और इसी धरती की एक पहली है कि करण महाराज ने जब कभी हमारे यहाँ मासू महाराज का यहाँ वो रहता था देवत्व खंड में, तो यहाँ एक परीक्षा भी हुई जो आज हर खंड में हर पुराणों में इसका अंकित है। तो इसी धरती में जहाँ यह हमारे आस्था के प्रति आज जो है इस धरती की इस धात की इतनी शक्ति है कि आज हमारी बेटी बो या बुजुर्ग महिला चाहे आज कितनी भी बीमार होगी पर जब यहाँ खड़ी होती है तो वो बिल्कुल इतनी एनर्जी लॉस ना करते हुए अपनी एनर्जी इतनी अपनी पावरफुल दिखती है कि इस शक्ति लिए अपने आप उसकी भूमि है। जब भी किसी इलाके में जाते हैं और हम देखते हैं कि पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी पारंपरिक परिधान में हैं, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो जो मॉडर्न कपड़े हैं या जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके रंग में रंग हैं, लेकिन देवजानी और जो जीवाणु गांव है वहाँ बिल्कुल उलट है। लड़की है, इंटर में पढ़ती है, पूछते हैं उससे कि वो कितना पसंद करती है अपना ट्रेडिशनल ड्रेस। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कविता चौहान है। कविता ये बताओ आपको कितना अच्छा लगता है, पहले तो इसका नाम क्या है? हम इसको अपने भाषा में फर्जी बोलते हैं सर। हाँ, हमारी ये हमारी पहचान है, हमको ये बहुत अच्छी लगती है। तो आपको बिल्कुल भी हिचक नहीं है, कोई भी संकोच नहीं होता इसको पहनने? नहीं नहीं सर। आपके गांव में और भी जो लड़कियां हैं लड़के पहनते हैं इसको अभी भी? हाँ, पहनते हैं बहुत। तो आप पढ़ाई कहाँ करती हैं? खरसाली। हाँ। अच्छा, तो ये देखा आपने, कविता ने कहा कि उसको अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उससे बिल्कुल भी कोई जो एक होता है ना झिझक सी होती है जब बाहर हम जाते हैं कि पुराने कस्टम है या युवा पीढ़ी बिल्कुल जो पाश्चात्य रंग में रंगने जा रही है, लेकिन यहाँ अगर आपको वाकई में देखना अगर रमाई की ट्रेडिशनल कल्चर तो जो ये गांव है देवजानी या जीवाणु, आगे का गांव का नाम जीवाणु है ना, जीवाणु, तो इन दोनों गाँव की संस्कृति मुझे सबसे अच्छी लगी। वाकई में अपने बिल्कुल जो
रॉ रूप में, जिसको हम कहते हैं ना बिल्कुल मूल रूप में, इस इलाके में आज भी विद्यमान है। पहाड़ों के जो मेले खोले हैं यानी मेले खेले, उनमें जो असली संस्कृति है वो दिखाई देती है। और जब हम दोड़ी गए थे, दोड़ी में हमने जो त्यौहार देखा, वहाँ की जो संस्कृति देखी, उसके बाद फिर देवरा गांव आए गए, कर्ण महाराज का जो मंदिर था, और फिर यहाँ देवजानी गांव में। तो इन गांवों में जो संस्कृति है वो अपने मूल रूप में है। और जब हम कैमरा लेकर आते हैं तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मैं भी 64 GB का कार्ड लेकर आया था, 16 GB एक और एक्स्ट्रा कार्ड था। और आप जब आए इन इलाकों में, चाहे आप ट्रैक करने आए हों या फिर आप गांव के भ्रमण में आए हों, तो आप अपनी मेमोरी कार्ड और अपने जो इक्विपमेंट हैं यानी जो बैटरी है वो ज़्यादा रखिएगा, कार्ड हैं वो ज़्यादा रखिएगा। हमारे यहाँ त्यौहार चलते हैं, पूस के त्यौहार चलते हैं, जो कि जिसमें सभी जितने भी घर की फैमिली होगी वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे हम देहरादून रहते हैं, हमारे छोटा भाई कोई दिल्ली रह रहा, कोई हरिद्वार है, कोई कहीं है, इन त्यौहारों में एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, जिसके लिए मतलब जो हमारे त्यौहार 7 दिन के होते हैं और 7 दिन पूरे 7 के 7 दिन हम मनोरंजन लेते हैं, पूरे 7 के 7 दिन हम मनोरंजन लेते हैं। और 7वें दिन हमारे यहाँ गेंद का मेला था कल मकर संक्रांति के दिन। और जो गेंद का मेला होता है वो 2 टीमों के बीच में होता है, 60-5 साई, जैसे 2 भारत-पाकिस्तान का जैसे मैच होता है उससे भी बढ़कर होता है ये। भारत पाकिस्तान के मैच में इतना वो इंटरेस्ट हम नहीं लेते देखने में जितना कि इस मैच में हम लेते हैं, जिसमें हमारी 2 टीमें होती है। ये 5 गाँव है हमारा, 5 गाँव में से हमारी 2 टीमें बना रखी है 60-5 साई। और ये कल आपने देखा होगा यहाँ का कल्चर, कल मेला था, बहुत ज़बरदस्त मेला था। और जिसमें कि 2 गांव के बीच में जब मैच हुआ था, भिड़े थे आपस में जो भी था खेला, उसके उपरांत एक टीम जीती एक हारी, फिर राशि लगाया, अपना अपना कल्चर था। और आज आप देख रहे हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम करवा रखा है माघ मेले के उपलब्धि में, 5-6 किलोमीटर है, जिसमें जो कि हमारे चलने वाला बंदा यहाँ का वो 1-1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाता है। और जैसे नीचे से कोई आता है तो उनकी थोड़ा चलने की आदत उस हिसाब से नहीं चल पाता है, जैसे कि हम चलते हैं, हमारा एक्सरसाइज होते रहता है, वो गाड़ियों से ज़्यादा चलते हैं, टूरिस्ट वाले जितने भी चलते हैं। तो इसमें जो भी यहाँ से चलता है करीबन 4 या 5 घंटे में पहुँचता है। हर 2 किलोमीटर के बाद आपको पानी मिलेगा, झरने मिलेंगे। और आप इधर ये जंगल देख रहे हैं, देवदार का जंगल आपको दिखेगा इधर। जी अभी तक पहले मोरी सांगरी होते हुए चलते थे, अब जब से लोगों को पता चला कि उधर से 12 किलोमीटर समथिंग 12-13 किलोमीटर है, अब लोगों को ये भी पता चल गया कि जब से हमारी रोड 1-1.5 साल हमारी रोड बन के हुई है, जब से हमारी रोड देवजानी जेवाणु देवजानी तक हमारी रोड पहुंची है, उस टाइम से अभी 6 किलोमीटर यहाँ से अब पड़ता है। अगर बंदा खरसाड़ी से सांकरी जाता है तो करीबन 2 घंटे लग जाते हैं,
2-3 घंटे लग जाते हैं। और यहाँ से खरसाड़ी से अगर बंदा केदारकांठा, डोवाल गांव, देवजानी, कुमड़ाई होते हुए अगर बंदा आएगा तो उसको करीब मात्र केदारकांठा के लिए मात्र 3 घंटे में वो केदारकांठा पहुँच जाएगा। हम इस गांव की खूबसूरती सबसे अच्छी है कि यहां पर कल्चर आज भी जो मूल रूप में है। और बहादुर सिंह जी, बलिराम जी और बहादुर सिंह, इनकी ड्रेस आप देख रहे होंगे। तो अगर आप इस गांव में आएंगे तो आपको इन लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। ये अपनी कहानियां आपको बताएंगे, अपना अनुभव आपको बताएंगे। और मेरा पहले से भी मानना है कि अगर आप हिमालय को समझना चाहते हैं, यहाँ की जो गगनचुंबी जो पर्वतमालाएं हैं, यहाँ जो बुग्याल हैं, यहाँ जो जंगल हैं, उससे पहले आप समझिए यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोगों को आप समझेंगे, उनका जो अनुभव है, उन्होंने जो अपने जीवन दिया है पहाड़ के लिए, उनसे आपकी इंटरेक्शन होगा तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और मेरी जब भी कोशिश होती है गाँव में जाकर तो मैं बुजुर्गों से ज़रूर बात करता हूँ। फिलहाल जो इस गांव की कहानी थी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा। इस गांव में अगर आपको आना होगा, डिस्क्रिप्शन में कुछ लोगों के नंबर होंगे। अगर आपको यहां से केदारकांठा ट्रैक करना होगा तो यहां के लड़के पूरी तरीके से पलक पावड़े बिछाए आपका इंतजार कर रहे हैं।